उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 स्थित रसलगंज पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा के साथ देर रात पुलिस चौकी के अंदर घुसकर बेखौफ बदमाशों ने मारपीट करते हुए जमकर पिटाई किए जाने का सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि देर रात दरोगा पुलिस चौकी के अंदर अकेला था। इसी दौरान दरोगा को अकेला देखकर मौके का फायदा उठाकर दो बदमाश पुलिस चौकी के अंदर घुस गए। इसके बाद पुलिस चौकी के अंदर घुसे दोनों बदमाशों ने दरोगा को अंदर अकेला देखकर उसको दबोच लिया और इसके बाद दोनों बदमाशों ने दरोगा को पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हुए पिटाई करनी शुरू कर दी। पुलिस चौकी के अंदर घुसकर दो बदमाशों के द्वारा दरोगा के साथ की जा रही मारपीट के दौरान दरोगा ने अपने आप को बदमाशों के चुंगल से छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी से चीखना चिल्लाना और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। जब दरोगा अपने आप को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था तभी देर रात थाना देहली गेट निवासी युवक डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके पुलिस चौकी के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान पुलिस चौकी के भीतर से दरोगा की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दरोगा की पुलिस चौकी के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वो पुलिस चौकी के अंदर दाखिल हुए तो बदमाशों के जरिए पुलिस चौकी में तैनात दरोगा के साथ बदतमीजी करते हुए दोनों बदमाशों द्वारा मारपीट की जा रही थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों के द्वारा पुलिस चौकी में घुसकर दरोगा को दबोच कर उसके साथ मारपीट करने वाले दोनों बदमाशों के चुंगल से दरोगा को किसी तरह छुड़ाया गया। वारदात के वक्त दरोगा पुलिस चौकी पर अकेला था। बदमाशों के द्वारा दरोगा के साथ मारपीट किए जाने की सूचना पर इलाका थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरोगा के साथ मारपीट करने वाले दोनों बदमाशों को हिरासत में लेकर थाने ले गई तो वहीं बदमाशों द्वारा की गई मारपीट में जख्मी हुए दरोगा को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से जनमत न्यूज के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।